Assalamualaikum viewers, this is Jimmy Alexander and welcome back with another video of Jaira Network YouTube channel. तो आज की वीडियो हम ट्विन प्रेसेंट्स को डिस्कस करेंगे यानी कि 10B और 11B. इन प्रेसेंट्स की हम करंट लोकेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी सराउंडिंग को डिस्कस करेंगे, इसकी करंट डेवलपमेंट स्टेटस चेक करेंगे और इन प्रेसेंट्स के प्राइसेस और रेट्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर इन दी एंड हम इसकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे सिंस लॉन्चिंग टिल नाउ. सो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन पे. डिस्टेंस फ्रॉम मेन के डिस्का 11B और 10B का बनता है तकरीबन 8.8 से 8.9 किलोमीटर्स. इट हार्डली टेक्स 11 टू 10 मिनट्स टू रीच टू दीज प्रीसेंट्स. इस इन प्रीसेंट्स को दो रोड्स लगती हैं. एक तो एवेन्यू 14A से आप आते हुए खूबसूरत से लेजी एल से नीचे उतर दें तो आपको राइट साइड पे 11B मिलेगा और लेफ्ट साइड पे आपको 10B मिलेगा. इसकी एंट्रेंस दो जगह से बनती है, एक तो एवेन्यू 14AA से और दूसरी जो है इसकी गॉल सिटी वाली साइड से जिसको एवेन्यू 17 रोड लगती है. तो एवेन्यू 17 वाली रोड से भी इसको एक एक्सेस मिलती है. सराउंडिंग्स में इसकी ऊपर वाली साइड पे गॉल सिटी आ जाता है और नीचे वाली साइड पे 11A और 10A आ जाता है. और 11A जो है वो कर्व होता हुआ ऊपर तक राइट साइड तक जाता है और अगर हम लेफ्ट साइड की देखें तो 10B के साथ साथ बैरियर टाउन की बाउंड्री वॉल भी चल रही है. इस प्रीसेंट में दो रेजिडेंशियल टाइप्स हैं, एक तो बैरियर होम्स जिसको विलाज भी कहा जाता है. ये 152 स्क्वायर यार्ड्स पे मुश्तमिल है और इसमें 3 बेडरूम्स हैं. दूसरी रेजिडेंशियल कैटेगरीज की 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं. तो इन दोनों प्रीसेंट्स का जो लैंडस्केप है अगर हम 11B की बात करें तो सारा का सारा ये रोड लेवल पे है, लेकिन ये जो कुछ हिस्सा ये जो मैंने रेड से मार्क किए यहाँ के प्लॉट में हमें डेप्थ नज़र आती है, मतलब कि डिप्रेशन है जिसे हमें खड्डे वाले प्लॉट्स भी कहते हैं. और अगर हम 10B की बात करें तो 10B हमें सारे रोड लेवल वाले प्लॉट मिलते हैं, लेकिन ये जो एरिया है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ हाईलाइटेड एरिया, ये सारा का सारा थोड़ा सा हाइट पर आता है. इसके अलावा सीवरेज सिस्टम प्रॉपरली डिज़ाइन जिस तरह से सारे प्रीसेंट्स में उस तरह से ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, डेवलप किया गया है. अगर हम इसकी डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 11B में हमें काफ़ी रेजिडेंशियल प्राइवेट रेजिडेंशियल होम्स मिलते हैं जो कि कुछ ग्रे स्ट्रक्चर पे हैं और कुछ बन चुके हैं. 10B में भी हमें कुछ घर बने हुए नज़र आते हैं और कुछ घर जो हैं ग्रे स्ट्रक्चर में हैं. अगर हम इनकी अमेनिटीज़ की बात करें तो 11B में जो हमें 3 मस्जिद जो हैं प्रपोज मिलती हैं. एक मस्जिद हमने ग्रे स्ट्रक्चर में, 11B में हमें स्कूल भी प्रपोज है और काफ़ी मल्टीपल पार्क्स हमें इस के मैप के ऊपर देखने को मिलते हैं. 10B में भी हमें 2 मस्जिद प्रपोज हैं. यहाँ पे भी किसी भी मस्जिद के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी और जो जहाँ पे यहाँ पे विलास अभी अनलॉन्च्ड विलास जो हैं जो कि बन चुके हुए हैं, अब बहुत जल्द ये बैरियर टाउन कराची इन विलास की इनको अनाउंस भी करेगा. और उसके बिल्कुल बीच में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे फायर ब्रिगेड का ऑफिस मिलता है, पुलिस स्टेशन का ऑफिस मिलता है, यहाँ पे हमें पब्लिक बिल्डिंग मिलती है, टेलीफोन एक्सचेंज मिलती है. ड्रॉबैक्स जो 11B और 10B के जो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी गैलरी नहीं मिली ना ही कोई प्रपोज्ड हुई है जहाँ से लोग अपनी डेली नेसेसिटी पूरी कर सकें. हम यहाँ के जो भी लोग या रिहायशी होंगे वो सारे करेंगे 10A का की गैलरी का रूप. तो प्राइसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम 11B के विलास को देखें तो ये जो मैंने मार्क किया है ये वाली साइड विलास की ऑरेंज लाइन से, तो यहाँ पे जो विलास हैं आपको 175 प्लस में प्लस अवेलेबल हो जाते हैं. ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया है यहाँ की प्राइस दूसरे विलास की प्राइस की नस्बत महंगी है. 175 से 180 प्लस तक आपको यहाँ पे विलास नज़र आते हैं, जबकि इस साइड पे जो मैंने ये मार्क किए जो कमर्शियल बैक वाले विलास हैं इन यहाँ पे आपको 165 से 170 प्लस में विलास अवेलेबल हो जाते हैं. और ये वाली जो साइड विलास की यहाँ पे आपको 170 प्लस में आपको विलास अवेलेबल हो जाते हैं. ये वाले विलास आपको रेंट पे भी मिल सकते हैं और यहाँ पे
तकरीबन 40,000 से 50,000 तक का पर मंथ रेंट चार्ज होता है। अगर आपने इसके बारे में और भी मालूमात लेनी है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। 11B के अगर हम 125 गज के प्लॉट्स के बारे में बात करें तो ये वाला जो हिस्सा जो मैंने मार्क किया है ये आपको 60 प्लस में आता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो कि हमें डिप्रेशन वाले प्लॉट्स भी मिलते हैं ये वाले हमें 65 प्लस में हमें यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे ये सबसे जो गुड लोकेशन है इस 11B की प्रीसेंट की, यहाँ पे हमें तकरीबन 70 प्लस हमें प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और ये वाला जो ए पट्टी है जो मैंने अब मार्क की है, इस पट्टी में भी हमें 75 प्लस माइनस में हमें प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। जो विलास के साथ है उन प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा ही होती है। और ये वाले जो प्लॉट्स जो कमर्शियल बैंक पे आ रहे हैं ये हमें 67 प्लस मिलते हैं। और ये वाले जो प्लॉट्स हमें 62 प्लस में अवेलेबल हो जाते हैं। एंड लास्टली जो ये वाला एरिया जो रह गया था ये 65 प्लस में भी आपको इन एरियाज में प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। 10B के विलास की अगर हम बात करें तो ये आप वीडियो में जिस तरह देख सकते हैं ये सारे के सारे विलास रेडी हैं, लेकिन बैरियर टाउन कराची की तरफ से अभी तक ये विलास लॉन्च नहीं किए गए। वेरी सून जब इनकी डील्स आएंगी तो ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत 3 बेडरूम सेम 152 स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमिल, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर सेम पैटर्न के साथ जिस तरह से 11B के विलास हैं सेम वैसे ही विलास हमें 10B में भी मिलते हैं। अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की बात करें 10B में तो यहाँ पे आपको प्लॉट जो है ये मार्क हुआ हुआ हिस्सा ये वाली जो पट्टी है जो कमर्शियल बैंक के साथ दो पट्टियाँ हैं ये 65 प्लस विथ अलॉटमेंट। 11B और 10B के जितने भी हमारे पास प्लॉट्स आते हैं वो मोस्टली विथ अलॉटमेंट आते हैं। ये वाली पट्टी जो नदर बाउंड्री वॉल के साथ वाली कमर्शियल बैंक है 61 प्लस विथ अलॉटमेंट आते हैं। और ये वाले जो एरिया है ये हमें थोड़ा सा अच्छी कॉस्ट में मिल जाते हैं इस एरिया में 61 to 63 विद अलॉटमेंट यहाँ पे एक प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया है यहाँ पे हमें 61 to 63 में प्लॉट अवेलेबल हो जाता है विद अलॉटमेंट। और ये वाले एरिया जो विलास 10B के विलास के बैक पे ये 65 to 67 प्लस विद अलॉटमेंट हमें अवेलेबल हो जाते हैं प्लॉट्स। और लास्टली द मेन एरिया यहाँ पे जहाँ पे हमें मल्टीपल पार्क्स वगैरह भी मिलेंगे जगह जगह पे, तो यहाँ पे आपको प्लॉट तकरीबन 64 टू 67 विद अलॉटमेंट अवेलेबल हो जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस प्रीसेंट 10B और 11B की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एज पर सितंबर 2020 टिल सितंबर 2021 कंप्लीट 1 ईयर की हम इसकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्चिंग प्राइस को से स्टार्ट करें तो प्रीसेंट 10B के 125 स्क्वायर यार्ड्स के जो प्लॉट्स हैं स्टार्ट हुए 17,25,000 से और सितंबर 2020 में ये प्राइसेस 21 लाख तक गई। फिर आफ्टर 3 मंथ्स ये 22, फिर आफ्टर 6 मंथ्स ये गई 35 एंड सितंबर 2021 में ये 49। और अगर हम इस रेट को आज के रेट के साथ कंपेयर करें तो आपको मिनिमम 10B में जो प्लॉट है वो 60 का आता है। उसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम प्राइस की बात करें ये वो वाले प्लॉट्स हैं जो कि एक अच्छी कैटेगरी और एक अच्छे लोकेशन पे आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्नर प्लॉट सेमी कॉर्नर या तो एक मेन बुलेवार्ड वाला प्लॉट, तो ये प्लॉट्स जो हैं इनमें एक अच्छा में भी नज़र आया गेन, जैसे कि लॉन्च 17-25 से फिर 27 फिर 28 फिर 45 फिर 56 तक आए। उसी तरीके से अगर हम 11B की बात करें 11B के 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की, तो यहाँ की भी प्राइसेस सेम लॉन्चिंग प्राइसेस स्टार्ट हुई थी फिर 21 पे गई। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस थोड़ी स्टेबल रही इन पीरियड ऑफ सितंबर 2020 टिल दिसंबर 2020 तक हमें प्रीसेंट 11B की प्राइस स्टेबल नज़र आई इन मिनिमम एंड इवन इन मैक्सिमम। और उसके बाद 6 माह बाद हमें एक अच्छा गेन नज़र आया। फिर जब जैसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन आना शुरू हुई तो यहाँ पे एक अच्छा रेट बढ़ता गया।
जैसे 38 फिर 53 पे गया, फिर 52 फिर 65 मैक्सिमम इसका गया। और आज की जो अगर हम 11B में अगर आज हम मिनिमम प्लॉट अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको 60 प्लस में मिलता है एंड इट गोज़ टू 75 प्लस डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्लॉट। और अगर हम विलास की बात करें तो विलास लॉन्चिंग जो इनकी प्राइस थी वो 42 लाख से ये स्टार्ट हुए और इसमें एक बहुत एक नॉर्मल सा जंप आया। लाइक वी कैन सी दैट इन सितंबर 2020 प्राइस डबल हो गई, लाइक 80 तक गई, फिर 90 गई, फिर 134 और सितंबर 2021 में ये 135 तक जंप कर गई। और अगर हम आज लाइक आफ्टर 5 मंथ्स अगर हम आज की प्राइसेस को डिस्कस करें तो आपको मिनिमम यहाँ पे प्लॉट 170 से लेके 180 तक आपके ये प्राइसेस जाती हैं। अगर हम इन प्राइसेस की एक ग्राफिकल एक इमेज देखें तो आई होप कि मैं थोड़ा सा जो समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए आप देखें ये प्राइसेस स्टेबल रही, ये प्राइसेस कहीं गिरी नहीं, एक हमें एक अच्छा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें ग्राफ नज़र आया रिसेंट 10B और 11B के 125 स्क्वायर यार्ड्स का, इवन पिछले 11B के विलास में भी का अच्छा गेन हमें नज़र आया। तो अगर हम गेन परसेंटेज की बात करें फॉर 10B एंड 11B तो आप देख सकते हैं कि हमें सितंबर 2020 में आफ्टर द लॉन्चिंग 10B में हमें मिनिमम 22% का गेन नज़र आया और मैक्सिमम प्राइस में 57, उसी तरीके से 5, 59 एंड 40 तक हमें गेन हमें देखने को मिला। अगर हम इन सारे जो गेन हमने जो परसेंटेज एक निकाली जो एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स हमें एक परसेंटेज आई गेन की, तो उसकी अगर एवरेज गेन निकाले तो हमें प्रीसेंट 10B में मिनिमम 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स की एवरेज गेन 31% निकली और मैक्सिमम प्राइस की 36% एक एवरेज गेन निकली। और उसके बाद 11B के 125 स्क्वायर यार्ड्स के मिनिमम प्राइस में 36 एंड 44 फॉर द मैक्सिमम प्राइस। और विलास की अगर हम बात करें तो मिनिमम 38% एवरेज परसेंटेज और मैक्सिमम प्राइसिंग में जो एक एवरेज गेन परसेंटेज निकली वो 45। अगर हम इसकी अब फोरकास्टिंग करें लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप आज इस प्रीसेंट में प्लॉट लेते हैं या विला खरीदते हैं तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आप कहाँ तक प्राइसेस गेन हो देख रहे हैं, तो हम इन एवरेज परसेंटेज का भी 20% अगर निकालें तो वो तकरीबन कोई 5 लाख बनता है। तो इसका मतलब कि अगर आप से अगले 3 to 6 महीने बाद आफ्टर बाइंग द प्लॉट आप कम से कम जो है 5 लाख का तो आपको गेन आएगा इन प्रीसेंट्स के अंदर। और उसी तरीके से ये 1 मिलियन तक भी जा सकता है, इट गोज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द अदर रीजन। उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आप एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सकते हैं टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट इन प्रीसेंट्स में। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और कमेंट करके फीडबैक इस वीडियो का ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने चैनल को और अपनी वीडियो को वक्त बाय वक्त आपके कमेंट्स के थ्रू इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।